अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ऐसे कमाल के पाकिस्तानी पांच ड्रामों के बारे में बात करते हैं जो जियो टीवी के ड्रामे हैं, और ड्रामों की स्टोरी इतनी शानदार के देखने के बाद सीधे दिल को जा लगें। अगर आपने इन ड्रामों को नहीं देखा तो फिर एक बार ज़रूर देखिए। नंबर 5, ड्रामा सीरियल मेरे हम नशीन। नाज़रीन, एक ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा जो हर लिहाज से बेहतरीन है, जिसमें रोमांस, सोशल इश्यूज और कई स्टोरीज देखने को मिलती हैं। ये एक पख्तून कबीले पर बनाया गया, जिसकी कहानी एक पख्तून लड़की के गिर्द घूमती है जो डॉक्टर बनने के बाद अपने इलाके में हॉस्पिटल बनाना चाहती है, और ये सब कुछ करने के लिए इसको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन को विश्वाली सैयद ने लिखा और अली फिजान ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की लीड कास्ट में हिब्बा बुखारी, एहसन खान, सैयद जबरान और शहजाद शेख, मुमल खालद और मोमना इकबाल शामिल थे। 43 एपिसोड पर मुश्तमल ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन जियो टीवी पर ऑनियर हुआ। नंबर 4, ड्रामा सीरियल दीवानगी। नाजरीन, ये एक एक्शन पॉलिटिकल ड्रामा होने के साथ साथ रोमांस और इमोशन से भी भरपूर है, जिसकी कहानी एक बिजनेसमैन सुल्तान दुरानी के गिर्द घूमती है, जिसे मिडिल तबके से ताल्लुक रखने वाली लड़की पसंद आ जाती है और उसे हासिल करने के लिए इसे हर तरह से टॉर्चर करता है। ड्रामा सीरियल दीवानगी में हिब्बा बुखारी और दानिश तैमूर ने मरकजी किरदार निभाए, और इन दोनों की ना सिर्फ जोड़ी बल्कि अदाकारी को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया, जबकि बाकी कास्ट में जोया नासर, अली अब्बास, महमूद असलम और निदा मुमताज जैसे बड़े अदाकार शामिल थे। इस ड्रामे को सादिया अख्तर ने लिखा और जिशान अहमद ने डायरेक्ट किया। यह ड्रामा 2019 में जियो टीवी पर ऑनियर हुआ। नंबर 3, ड्रामा सीरियल राजे उल्फत। दिल को छू जाने वाली स्टोरी पर मबनी ड्रामा सीरियल राजे उल्फत एक मेगा हिट ड्रामा है जो बेहद मकबूल हुआ, क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी थोड़ी रूटीन से हटके थी और रोमांस के साथ साथ कई तरह के पॉइंट हाईलाइट किए गए। ड्रामे की कहानी मुश्क नामी एक मासूम सी लड़की के गिर्द घूमती है, जिसकी ज़िंदगी अपने बाप के बनाए गए असूलों की पाबंद होती है, लेकिन फिर इसकी ज़िंदगी में साहिबा जैसी एक दोस्त आती है जिससे इसकी ज़िंदगी एकदम से चेंज हो जाती है। ड्रामा सीरियल राजे उल्फत में यमुना ज़ैदी, शहजाद शेख, कोमल अजीज़ खान ने मरकजी किरदार निभाए। महा मलकी तहरीर करदा और सराजुल हक की डायरेक्शन में बनने वाला ड्रामा सीरियल राजे उल्फत 2020 में जियो टीवी पर ऑनियर हुआ। नंबर 2, ड्रामा सीरियल खुदार मोहब्बत सीजन 3। जियो टीवी का एक मास्टरपीस ड्रामा जो अपने पहले 2 सीजन से ज्यादा मकबूल हुआ और अपने वक्त में सिर्फ यूट्यूब पर 2 बिलियन प्लस व्यूज हासिल करने वाला पहला पाकिस्तानी ड्रामा बना और पाकिस्तान समेत इंडिया भर में बेहद मकबूल हुआ। ड्रामे में इकरा अजीज और फिरोज खान ने मरकजी किरदार निभाए और इन दोनों की जोड़ी खूब जमी। हाशिम नदीम इस ड्रामे के राइटर थे, जबकि सैयद वजाहद हुसैन ने डायरेक्ट किया, और यह ड्रामा 2021 में जियो टीवी पर ऑनियर हुआ। नंबर 1, ड्रामा सीरियल तेरे बिन। पाकिस्तानी तरीके का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रामा, जिसने खुदा और मोहब्बत को भी पीछे छोड़ दिया और 3 बिलियन व्यूज़ हासिल करके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड बना रहा। और ये एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें एक्शन, क्राइम, फैमिली और सोशल इशू देखने को मिलते हैं, और ख़ास तौर पर मुर्तसिम और मीरब की जोड़ी ने देखने वालों के दिल जीत लिए। ड्रामा सीरियल तेरे बिन में वहाज अली और यमुना ज़ैदी ने मरकजी किरदार निभाए, और इस ड्रामे की वजह से इन दोनों को खूब शोहरत मिली। नूरा मखदूम का तहरीर करदा और सराजुल हक की डायरेक्शन में बनने वाला यह ड्रामा 2023 में जियो टीवी पर ऑनियर हुआ। तो दोस्तों, इन ड्रामों में से कौन कौन से आपने ड्रामे देखे हैं और आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।